हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि मेरे पीछे आप व्हाइट बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस के क्रम में सेकंड पार्ट, यानी हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का सेकंड पार्ट रहेगा। इससे पहले मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स होते हैं, कॉन्सेप्ट होता है, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक तो उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग उसको देखें, अन्यथा आप लोग जहां तक पहुंच गए ना तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और ये वीडियो ही नहीं, आगे जो भी दो तीन पार्ट और आने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के, वो भी आपको समझ में नहीं आएंगे। यानी फर्स्ट वीडियो बिल्कुल एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का क्या है, बेस है, आधार है, और एक तरह का जैसा पेड़ लगाते हैं ना, पेड़ लगाने से पहले उसको सीड्स चाहिए होता है, बीज चाहिए होते हैं, उसी प्रकार फर्स्ट क्लास एक बीज की तरह आप लोगों के लिए काम करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, तो पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर जाके देखें। उस वीडियो में डिस्कस किया था कि आई को कहाँ चेंज करते हैं, बी को कहाँ चेंज करते हैं, यानी प्रोनाउन चेंज करना सिखाया था मैंने आप लोगों को, और मैंने टेंसेस चेंज करना भी बताया था, और ये भी बताया किसका पैसिव वॉइस बनता है, किसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, किन किन टेंसेस का बनता है, किन किन टेंसेस का नहीं बनता है, वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। और वो लोग, मैं आशा करता हूँ जिन लोगों ने देख लिया होगा उन्हें याद भी कर लिया होगा, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, तो आज उसी क्रम में हम चेंज करना सिखाऊंगा कि चेंज हम लोग कैसे करते हैं। तो राइटली हमारा पहला एग्जाम्पल आज का रहेगा, ठीक है, समझ जा। देखो जैसे कि आई सेल डू इट, आई सेल डू इट, इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको क्या करना है, मैंने उस दिन बताया था कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देना है, यानी आगे वाला शब्द पीछे पहुंच जाएगा और पीछे वाला कहाँ आ जाएगा, आगे, ठीक है। तो इट को कहाँ लेके आ जाए, आप आगे लेके आ जाए, इट क्या आ गया, आगे आ गया इट। आई के साथ सेल आता है तो इट के साथ क्या आता है, विल, तो क्या हो गया, इट विल। आप जानते हैं मैंने सेल और बिल को बताया था, सेल और बिल को कहाँ चेंज करते हैं, बी में, तो इट विल भी हो जाएगा। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डन। ये भी बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में कि हमेशा पैसिव वॉइस में कैसी फॉर्म लगानी है, आपको थर्ड फॉर्म लगाना है, चाहे यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में हमेशा कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। जब इस वाले सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे ना, तो उससे पहले क्या लगा देते हैं, वाई लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वाई। आई को कहाँ चेंज कर देंगे, बाई मी में चेंज कर देंगे। मैंने ये भी बताया था कि ये क्या है, हमेशा बाई नहीं आती है, जब इस सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को चेंज कर दिया मी में, पर इसको हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा बाई नहीं लगाते हैं, ये चीज़ भी मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, क्लियर। अभी तब तो बताऊंगा कि बाई कहाँ चेंज करना है, अभी तो कुछ सेंटेंसेस में बाई ही आएगा, या कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जहाँ बाई नहीं लगाते, जहाँ एट लगाते हैं, जहाँ आप लोगों का इंटू आता है, जहाँ आप लोगों का कई सारी वर्ब भी आती हैं, ठीक है। तो आप लोग एक क्या है, मैंने उस दिन बताया था, तो एग्जाम्पल हो गया हमारा एक, है ना, और दो तीन एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि ऐसे आ जाए, सी लव्स हिम, सी लव्स हिम वेरी मच, तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मूला बता दूं कि वाक्य में आप मेन वर्ब को देखें, वाक्य में जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसका क्या बनाना है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो ना, ट्रिक भी बताई थी कि एस या ई एस आ जाए या डू या डज आ जाए तो उसको इस आर एम में चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ही इज। यहाँ पर क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही इज लव्ड, क्या हो जाएगा, ही इज लव्ड। तो इसको हम लास्ट में लेके जाएंगे ना, तो क्या लगा देते हैं उससे पहले, बाई, और सी का क्या हो जाता है, हर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। वेरी मच का क्या रहेगा, वेरी मच रहेगा। और से लोग कहते हैं कि सर ऐसे नहीं कर सकते कि वेरी मच को यहाँ छोड़ दें और बाकी का बाई हर यहाँ कर दें, कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है, वेरी मच हमारा एडवर्ब है ना, एडवर्ब कहाँ आते हैं, मोस्टली लास्ट में ही आते हैं, क्लियर। अगर आप ऐसे भी करते हैं ना, वेरी मच बाई हर, तो भी आपका गलत नहीं होगा, क्लियर। ये चीज़ आपको समझ में आई,
एक और एग्जांपल और समझ लें आप लोग, ठीक है। नेगेटिव वाला आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। ये क्या है, उस दिन मैंने आपको बता दिए थे रूल्स वगैरह क्या कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहाँ चेंज करना है। तो एक नेगेटिव का भी आप लोग समझ लें, ठीक है, जो भी आपका क्लियर हो जाएगा, नीट एंड क्लियर हो जाएगा। मान लो ऐसे आ जाए, यू डिड नॉट, यू डिड नॉट लाइक हर। तो पैसे बस चेंज करना है, तो आगे वाला कहाँ आता है, मतलब पीछे वाला आगे, और आगे वाला कहाँ पहुँच जाता है, पीछे। तो हर को लेके आओ, हर का क्या हो जाता है, सी। उस दिन में चेंज करना सिखाया था, सी का हर, हर का सी। डिड नॉट कहाँ आती है, डिड किस में आती है, डिड आती है पास्ट इंडेफिनेट में, और पास्ट इंडेफिनेट को कहाँ चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। मैंने बताया था उस दिन आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में, यानी डिड अस्टर की बताई थी, डिड आ जाए और सेकंड फॉर्म आ जाए, सो उसको कहाँ चेंज करना है, बाजबर में चेंज करना है। ये मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताई है फर्स्ट वीडियो में, तो फर्स्ट वीडियो को आप अवश्य जाके देखें। तो सी हो गया, डिड का क्या हो जाएगा आपका, वाज हो जाएगा, सी वाज। नॉट का नॉट रहेगा, नॉट से आपको मतलब नहीं है, नॉट आपसे कुछ भी नहीं कह रहा ना, तो आपको भी कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो सी वाज नॉट। लाइक का क्या हो जाएगा, वही थर्ड फॉर्म लगाते हैं हमेशा, लाइक थर्ड फॉर्म। तो आप लोग उस प्रकार याद कर लो जैसे कि आपको अपने मम्मी पापा याद है ना, वैसे बॉयस में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो सी वाज नॉट लाइकड। फिर क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, यू को लास्ट में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू। तो क्या हो गया आपका, वाई यू हो गया, ठीक है। एक मॉडल वाला और बोल दूँ आप लोगों को, ये नाउन वाला और मॉडल वाला, ऐसा आ जाए, रोहित, रोहित कैन डू इट, रोहित कैन डू इट। तो पैसे बनाएंगे तो इट को आगे लेके आएंगे, इट हो जाएगा, कैन का तो कैन ही रहता है सबके साथ में, कैन के साथ क्या लगाते हैं, बी। मैंने डिस्कस किया है मॉडल वर्क के साथ बी लगाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, इन सब के साथ बी आएगा, तो इट कैन बी। मेन वर्क की कैसी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म, इट कैन बी डन। रोहित का क्या हो जाएगा, वाई रोहित हो जाएगा, रोहित का क्या हो जाएगा, हमारा वाई रोहित हो जाएगा, ठीक है। एक कुछ उस दिन मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो में रूल्स बताए थे, कुछ मैंने आपको लोगों को एग्जांपल मैंने उसके बता दिए हैं, ठीक है। अब आगे हम न्यू रूल्स की बात करेंगे जो कि बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो पहला रूल रहेगा, पहला रूल क्या रहेगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय कभी कभार क्या होता है, एक्टिव वॉइस में आप लोगों के दो एग्जांपल, एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी कन्फ्यूज हो जाती है कि यार दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं लास्ट में, तो किस ऑब्जेक्ट से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दो ऑब्जेक्ट आपको वाक्य में मिले हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थोड़ी सी चेंज करने के बाद। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि ऐसे आ जाए, आई टोल्ड यू ए स्टोरी, आई टोल्ड यू ए स्टोरी। इसमें एक तो यू ऑब्जेक्ट है, एक क्या है, ए स्टोरी। आपने अगर मेरा जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब वाला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाना, मैंने प्लेलिस्ट सबकी बनवा रखी है, चैनल पर जाना है। बहुत से स्टूडेंट्स को वीडियोस नहीं मिलती हैं और बोलते हैं सर हमें वीडियो नहीं मिल रही हैं, तो आप लोग जानते हैं जहां आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो बीच में क्या आता है, एक सर्कल आता है, ठीक है, उस पर जो येलो का सर्कल मिलेगा तो इस पर क्या है, एच एस सर लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, एच एस सर। तो आप लोगों को क्या करना है, उस पर प्रेस करना है, प्रेस बोले तो उस सर्कल को आपको दबा देना है, या फिर पहले से ही यहाँ पर जो चैनल मिला हुआ है ऊपर इस तरीके से यहाँ पार्ट्स बने हुए होते हैं, यहाँ वीडियोस लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ वीडियोस, यहाँ प्लेलिस्ट, यहाँ जो कुछ वगैरह लिखे रहते हैं, तो कहते आप इस पर प्रेस करें तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, या ऑलरेडी ऑप्शन आता है तो यहाँ प्लेलिस्ट वाला इस प्रेस करने के बाद, यहाँ दबाने के बाद प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में वीडियो बनी हुई है कि वर्ब की, मतलब वर्ब का प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है, नाउन का अलग बना हुआ है, प्रोज पोइट्री के चैप्टरों का अलग बना हुआ है, तो इस तरीके से आपको सारी वीडियो होम पेज में ना मिलके प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी। तो इस सारी वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ कहाँ मिलेंगी आपको, प्लेलिस्ट में मिलेंगी, क्लियर। तो मैंने ये भी बताया है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट लेके आती हैं अपने साथ में, तो वही है ये, टोल्ड के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, बनाना क्या है इसका, आपको पैसे बॉस बनाना है, क्या बनाना है, पैसे बॉस, दो ऑब्जेक्ट है। अब आप कन्फ्यूज जाते हैं सर किस ऑब्जेक्ट को लेके आए, तो पहले आप यू को लेके आ जाए ना, पहले हम लोग किसको लेके आते हैं, यू को लेके आ जाते हैं, तो यू को क्या हो जाएगा हमारा, यू का यू कर दो साहब,
यू का यू हो गया, उस सेकंड फॉर्म को कहाँ चेंज करते हैं साहब, बाज वर में चेंज करते हैं, तो यू के साथ तो वर ही आएगा ना, यू वर हो गया, ठीक है, यू वर। हमेशा कैसी फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टोल्ड सेकंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म भी होता है, तो क्या हो गया, यू वर टोल्ड। ए स्टोरी को ए स्टोरी यहीं पर रहने दो, कहानी को कहानी ही रहने दो, ठीक है, यू आर टोल्ड ए स्टोरी। इसको हम लास्ट में लेके जाएंगे सलमान खान को, तो क्या हो जाएगा, सलमान खान का बाई मी हो जाएगा, यानी आई का क्या हो जाएगा, बाई मी हो जाएगा, क्लियर, यानी आई का क्या हो जाएगा, आपका बाई मी हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अभी क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, किसी से भी कर लो। अब हम ए स्टोरी से कर लेते हैं, तो आप सबसे पहले क्या लेके आ जाओ, आलिया भट्ट को आगे लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, ए स्टोरी क्या आ गया, आगे आ गया, ए स्टोरी आगे आ गया, तो सेकंड फॉर्म को कहाँ चेंज करना है, वही बाज वर्ब में चेंज करते हैं, तो क्या हो गया आपका, ए स्टोरी वॉज, ठीक है, अभी हम इससे नहीं किया, इससे कर रहे हैं, ए स्टोरी वॉज, वही मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको इसको आपको क्या करना है, यू को यू ही रहने देना है, यू को यू ही रहने देना है, लेकिन उससे पहले क्या लगा देना है, टू लगा देना है, क्या लगा देना है, टू, टू का भी रीजन बताऊंगा अभी मैं। ए स्टोरी वाज टोल्ड टू यू, फिर आई का क्या कर देंगे, बाय मी कर देंगे, आई का क्या कर देंगे, बाय मी, समझ लें आप लोग। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप पैसे बॉयस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखो यू ए क्या होते हैं, ए हमारे में बताए थे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यू क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी क्रम क्या कहता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट पहले आ जाए ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा पीछे आएगा, क्या आएगा, पीछे। पर इनका क्रम अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर इनका क्रम चेंज करना चाहते हैं, तो टू लगा के क्रम को चेंज किया जाता है। यानी इस वाक्य को ऐसे ना लिख के, अभी मैं एक्टिव की बात कर रहा हूं, इस वाक्य को ऐसे ही बोल सकते हैं कि आई टोल्ड ए स्टोरी टू यू, आई टोल्ड ए स्टोरी टू यू, यानी यहाँ यू मी हिम हर जो सजीव ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा आगे आएंगे, निर्जीव ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा पीछे आएंगे, पर चेंज करना चाहते हैं, इनका क्रम चेंज करना चाहते हैं, यानी ए स्टोरी को आगे और यू को लास्ट में करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़ना होगा, यानी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन क्या है, टू जोड़कर। तो इसको मैं आगे पीछे चेंज कैसे कर दूं, आई टोल्ड ए स्टोरी टू यू, ऐसे हो सकता है, तो यही कंडीशन वही है, तो यू को मैंने चेंज किया, यू हो गया, ठीक है भाई, टोल्ड का वर हो गया, यानी पास्ट इंडेफिनेट को बाज वर में चेंज करते हैं, यू वर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए स्टोरी की ए स्टोरी, आई का क्या हो गया, बाय मी। अब हम लोग इससे कर लेते हैं, ए स्टोरी, ए स्टोरी के साथ तो बाज आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अगर ए वाला निर्जीव ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आया करें, तो इस सजीव ऑब्जेक्ट से पहले आप लोग टू लगा दिया करें, क्या लगा दिया करें, टू। तो मैंने क्या लगा दिया, टू, ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, ए स्टोरी वाज टोल्ड टू यू बाई मी, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप लोग एक एग्जांपल से और समझ लें, ठीक है, एक एग्जांपल से आपका नीट एंड क्लियर क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आई ना करके यहां कर देते हैं सी, ठीक है, सी टीचेस मी इंग्लिश, ठीक है, तो आप लोग पहले ये मी है, क्लियर, तो आप इस मी से कर लें, तो मी को लेके आ जाए, आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट को कहाँ चेंज करते हैं, इस आर एम में चेंज करते हैं, टर की बताई थी, ई एस जुड़ रहा है, ई एस आ जाए तो उसको इस आर एम में चेंज करते हैं, तो आई के साथ तो एम आ जाएगा ना, क्या हो गया, आई एम हो गया, आई एम, ठीक है। यहाँ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, क्या लगानी है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, टीस का टॉट हो गया, आई एम टॉट, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका, इंग्लिश बचा, उसके बाद क्या बचा, बाय हर, यानी सी को क्या कर देते हैं, बाय हर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। मी का आई किया, एम लगा दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश का इंग्लिश रहेगा, उसके बाद बाय हर। इंग्लिश से करना चाहते हैं तो कैसे होगा आपका, इंग्लिश को लेके आए, इंग्लिश हो गया,
इंग्लिश के साथ तो क्या आ जाए, एज आता है ना, तो इंग्लिश इज फिर मेन वर्ब की क्या होगी आपकी थर्ड फॉर्म होगी ना, इंग्लिश डॉट मी से पहले क्या लगा देंगे टू लगा देंगे, क्या हो जाएगा टू मी, बाकी का वही हो जाएगा वाई हर, क्या हो जाएगा आपका बाई हर। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे। एक है आपका दो ऑब्जेक्ट वाला क्या होता है कॉन्सेप्ट होता है, दो ऑब्जेक्ट वाला आपका क्या होता है रूल होता है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे आप लोग समझें, ठीक है। तो ठीक है, थोड़ा सा हम आज यहीं रोक देते हैं बिकॉज थोड़ा सी वीडियो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी और इसके अभी असर्टिव सेंटेंस, एक्चुअली में हमारा क्या है अभी असर्टिव सेंटेंस के ही रूल चल रहे हैं, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ही क्या चल रहा है असर्टिव सेंटेंस के रूल चल रहे हैं। असर्टिव तो थे अभी, इंट्रोगेटिव की बात नहीं की है मैंने, अभी मैंने इंपरेटिव की बात भी नहीं की है, तो इसमें लगो हाँ हमारा एक एक पार्ट तो असर्टिव का रहेगा। तो आपका असर्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का फिनिश, एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने का रूल क्या हो जाएंगे फिनिश हो जाएंगे सिर्फ किसके असर्टिव वाले, फिर आपका इंट्रोगेटिव आएगा, फिर आपका क्या आएगा इंपरेटिव भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दबा के शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।